बोलो बाबा केदारनाथ की जय। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से टीएडी परिवार में बहुत बहुत स्वागत बच्चों। तो बाबा केदारनाथ जी का आपके ऊपर सभी के आशीर्वाद बना रहे, सतबुद्धि दे आप सभी को, आपकी मेहनत का फल दे, आपको सफलता मिले। तो सभी विद्यार्थी अपना वीडियो को अपने सभी ग्रुप में शेयर करते रहिए और आइए सेशन की शुरुआत की जाए। तो सेशन की शुरुआत करते हैं और आज है विद्यार्थियों मैकेनिकल डिजाइन के हमारे सवाल। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने लास्ट में मैकेनिकल डिजाइन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन के शॉर्ट रिवीजन को अंजाम दिया था। तो आज नंबर है मैकेनिकल डिजाइन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन के कुछ ऑब्जेक्टिव। हरियाणा जी आ रहा है भाई, बिल्कुल आ रहा है भाई, आपकी उपस्थिति बिल्कुल दर्ज हो गई। अरे एक दो दिन से हो गया था यार, थोड़ी बुखार टाइप ना, बुखार क्या है पता नहीं, बॉडी में पेन हो रहा है एक दो दिन से। कुछ कल थोड़ा सा काम था, एक दो मीटिंग थी, इस वजह से जाना पड़ गया था। चले फिर आज का प्रोग्राम शुरू किया जाए। तो विद्यार्थियों आइए शुरुआत करते हैं और पहला सवाल देखिएगा क्या दिया गया है। पहला सवाल आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, देखिए जी, ये है स्टील के जो पोल होते हैं, स्टील पोल्स फॉर ट्रांसमिशन लाइन नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट। ट्रांसमिशन लाइनों के लिए स्टील के खंभों से या स्टील के खंभों को सुरक्षा की जरूरत है, को स्टील के खंभों को सुरक्षा की जरूरत है। बताइए जी किस प्रकार के। हाँ जी मैंने कोर्स लिया है यूपीपीसीएल। ए भाई कोर्स कोर्स क्या है कि बेइज्जती ना करे दोस्त, विक्रांत बैच कोई कोर्स ना है कि लाख दो लाख का कोर्स है दोस्त, कोर्स बोल के बेइज्जती ना करा, ठीक है जी। वो तो सेवा है सेवा, और इसमें यूट्यूब पे वीडियो सब चल रही है भाई। बच्चों देख लो आपके सामने की बात है, विक्रांत बैच निःशुल्क बैच है और ये भाई साहब कह रहे हैं कि हमने कोर्स लिया है विक्रांत बैच। देख लो जी विक्रांत बैच का कोर्स लिया, अरे शर्म भी कर लिया करो, अपनी रसीद पे अमाउंट भी देख लिया करो। अमाउंट है उसकी रसीद पे 1 रुपया, वो भी एप्लीकेशन का एक मिनिमम अमाउंट होता है भाई, हमारे पे नहीं आता, वो आता ही आता है क्लास प्लस वाले। है जी, और निशुल्क बैच को बताओ यार कैसी बात कर रहा है बच्चे, मूड खराब ना कर भाई, रात दिन मेहनत कर रहे यार दोस्त। तो देखो बच्चों स्टील के खंभों को सुरक्षा की जरूरत है, छेदक से दीमक, छेदक की क्या जरूरत है, दो का नहीं दोस्त 1 रुपया का है, दो का भी मत बोलो। एक है दीमक, एक है जी दीमक, दीमक से स्टील को कोई खतरा ही नहीं होता। तो बेटा ये भी हमारा नहीं है, कम खतरा होता है, मतलब कोरोजन का खतरा है किसे, स्टील को। तो बेटा ये हम लोग करते हैं, देखिए सिर्फ कोरोजन से प्रोटेक्शन, किसे बेटा, स्टील के पोल को। प्यारे बच्चों देखिए हमने कुछ फोटोग्राफ पिक्चर छोटे छोटे वीडियोस का इस्तेमाल किया है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझाया जा सके। तो देखिए जी जब हम स्टील को देखते हैं बेटा, तो स्टील जो पोल होते हैं वो हमारे नॉर्मली सिटीज में डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल होते हैं, और जो हमारे कुछ ऐसे ये हमारे रेल पोल्स हैं जो अपना रेलवे में इस्तेमाल होते हैं, कोरोजन से भी कमी होती है, यस डेफिनेटली। फिर दूसरी चीज बेटा ये है कि स्टील टावर का उपयोग हम जनरली ट्रांसमिशन में क्या करते हैं,
है ना, स्टील टावर का उपयोग हम जनरली ट्रांसमिशन में किया करते हैं। और जब हम कहें गांव देहात में बेटा ट्रांसमिशन सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन में, तो हम आरसीसी पोल का यूज करते हैं। बेटा दिनेश यादव जी, पहले कोर्स के बारे में जानकारी लीजिए, कहीं भी किसी ने ये कहा हो, वो पीडीएफ कोर्स है दोस्त, वो भी निशुल्क है, कोई खर्चा नहीं है दोस्त इसमें। जो मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ उसकी पीडीएफ वहाँ डाल देता हूँ, ठीक है जी। और ये चैनल मेरा आईटीआई को समर्पित नहीं है, जहाँ जो चैनल है उस पर बात किया करो बच्चों। यहाँ आ जाइए, लाइन के लिए फेज कंडक्टरों के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है, किसके लिए? एक 400 केवी के लिए, 400 केवी के लाइन के लिए फेज कंडक्टरों के बीच की दूरी कितने? तो देखो बेटा, 400 केवी के लिए, 400 केवी के लिए पूछ रहा है भाई, आंसर करिए फटाफट से, आंसर करिए। जल्दी से बताइए, सेफ्टी फैक्टर यस ग्रेटर देन वन, जल्दी से बोलो यस माय डियर स्टूडेंट। देखो आंसर बाद में करना, पहले इसे देखना, बहुत मजा आने वाला है सेशन में। जो हम 400 केवी की बेटा बात करते हैं प्यारे बच्चों, इसमें ये टावर की हाइट भी पूछ सकता है, ये नॉर्मली आपसे टावर की हाइट भी पूछी जा सकती है यहां से यहां तक, इसके लिए 400 केवी के लिए। तो देखिए 8 + 24 हो गया जी, लगभग 42-44 मीटर के आसपास ये आ गई। कंडक्टर्स के बीच की अगर दूरी की बात करेंगे आप, तो कंडक्टर्स के बीच की जो दूरी आप देख पाएंगे वो लगभग 8 मीटर के आसपास देख पाएंगे। कुछ 400 केवी की लाइन की बात करें तो बेटा ये देखने को मिल जाएगी। अब आप इसमें एक चीज देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों कि एक एक फेज में ना ये कई सारे, ये अलग अलग कई कई वायर बेटा इस्तेमाल होते हैं, इज कॉल्ड ए बंडल कंडक्टर माय डियर। बंडल कंडक्टर के अपने बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, जैसे जैसे हम कहें कि बंडल कंडक्टर यूज करने से ट्रांसमिशन लाइन में इंडक्टेंस कम हो जाता है, कैपेसिटेंस बेटा बढ़ जाता है। फिर हम ये भी जानते हैं प्यारे बच्चों कि जब हम डीएसके कम करने की बात कर रहे हैं, ओके जी, हम लोग बात कर रहे थे डीएस के बढ़ने की बात, यानी कि म्यूचुअल जीएमआर के बढ़ने की बात कर रहे हैं, तो हमें यह भी देखने को मिलता है नियर बाय ट्रांसमिशन लाइन के साथ इंटरफेरेंस भी कम होता है, पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी भी बहुत अच्छी हो जाती है बंडल कंडक्टर यूज करने से बेटा, कोरोना भी कम हो जाता है। तो अगर हम लोग देखें तो एक फेज में हम लोग बेटा 2 कंडक्टर 4 कंडक्टर 3 कंडक्टर इस तरह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं बंडल कंडक्टर्स में। तो ये हमें देखने को मिलेगा जी, देखिए 8 मीटर अप्रोक्स है ना, 8 मीटर हमें ये देखने को मिल जाता है बेटा, है ना। नेक्स्ट चलेंगे बेटा, स्टे वायर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, स्टे वायर का बेटा प्रयोग किसके लिए किया जाता है माय डियर। देखिए आंसर करने से पहले कुछ आपको यह बता दूं कि जहां लाइन में जैसे हमने एक एंड पर तार लगा दिया है ना, स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर दिखाते हैं तुम्हें प्यारा सा एक, बेटा ये एक साइड में आपने तार को बांध दिया है जी, तो बेटा ये इसी तरफ ज्यादा टेंशन हो जाएगी, तो हमने क्या काम कर दिया विद्यार्थियों, यहां से हमने एक सपोर्ट लगा दिया, हमने क्या है एक सपोर्ट लगा दिया, इज कॉल्ड स्टे वायर। और ये भी दिमाग में रखिएगा कि यहां पर, हाँ जी, यहां पर जो एंगल होना चाहिए वो 45 है, लेकिन प्रैक्टिकली हमने देखा भी है 30 मिलता है बेटा। यहां पर एग इंसुलेटर लगा होता है बेटा, और एग इंसुलेटर में हम ये देखते हैं प्यारे बच्चों कि 3 मीटर ऊंचाई पर होना चाहिए, ओके। ये कुछ कहानी है, जब आप ये देखते हैं ना, हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी व्यवस्था की बेटा, आपने अपने कई बार अपने गांव में अपने एरिया में बेटा ये सेटअप देख रखा होता है ना। कई बार आप देखते हैं कि एक तरफ लाइन के ये तार हो गए, ये देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि ये इंसुलेटर कौन से है बेटा, ये इंसुलेटर कौन से लगाए गए हैं, तो आप कहेंगे यस ये इंसुलेटर आपको दिखाई दे रहे हैं कि हाँ इस तरह की जो एस पोजीशन में जो रहता है हॉरिजॉन्टल में बेटा, ये रहता है हमारा स्ट्रेन टाइप, ओके। स्ट्रे वायर को क्या क्या, इसे एग टाइप इंसुलेटर भी बोलते हैं, इसे
एग टाइप इंसुलेटर भी, स्टे इंसुलेटर को एग टाइप इंसुलेटर भी बोलते हैं, इसे सपोर्टिंग वायर भी कहते हैं। तो हम बात कर रहे हैं, देखिए ये तो पृथ्वी से जो दूरी है ये ली जाती है जी 3 मीटर भी। अब ये भी अपने दिमाग में रखिएगा, कई बार बेटा आपको ये दिखाया जाता होगा, कई बार आप ये देखते होंगे कि अगर बीच में कहीं पर रास्ता हो, जैसे आपने कहा जी एक पोल ये है और इसके इस तरफ है जी लाइन, ओके जी, और इसके पास में ये रास्ता है, ओके। अब रास्ते में तो आप जमीन में बेटा गाड़ेंगे नहीं, ओके। आप कहेंगे सर हाँ जमीन में तो आपको स्टे वायर लाएंगे नहीं, तो आपके रास्ते के उस तरफ पैरेलल में एक पोल खड़ा करेंगे, एक तार यहां से खींचेंगे, सपोर्ट इसे देंगे और तब जाकर बेटा आप स्टे वायर को यूज करेंगे। कई बार आप ये देखते हैं कि बिल्डिंग के पास में कोई एंड होता हो, गाय वायर भी बोलते हैं, हाँ बिल्कुल कहते हैं। अब ये आ जाइए जरा, कोई बिल्डिंग बनी हुई है बेटा, अब बिल्डिंग के पास में अब क्या किया जाए, तो एक ये भी आपने सेटअप देखा होगा, ये भी कुछ सेटअप आपने देखा होगा कि इस तरफ ना झुक जाए, तो अन्य स्ट्रट मैथड इसे कहते हैं बेटा, हम एक अन्य पोल से इसे सुरक्षा दे देते हैं, अन्य एक पोल से हम इसे सुरक्षा दे देते हैं, ओके। तो ये सब सेटअप होते हैं। अब ये एक्चुअली कर क्या रहा है जरा दिमाग में रखिएगा कि आप कौन सा ऑप्शन कह रहे हैं, कि पहला कह रहे हैं सर्ज से सुरक्षा प्रदान करना, आप कहे सर ये तो बिल्कुल गलत हो गया बेटा, दूसरा है आपातकालीन में पृथ्वी मार्ग जी नहीं सपोर्टिंग द पोल, यस डेफिनेटली बेटा आंसर हो जाता है हमारा, देखिए यहां सी हमारा है सही आंसर कि सपोर्टिंग द पोल, ये सपोर्ट करने का काम कर रहा है पोल को, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा, देखिए आपको दिया गया है 132 kV ट्रांसमिशन लाइन पर किस प्रकार के इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों सिर्फ रटना नहीं है, रटने के पीछे बिल्कुल नहीं जाना, चीजों को देखिएगा। पावर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक होता है कि आप अपने आसपास में देख पाएंगे, आप अपने घर के बाहर में देखेंगे, बाहर अरे ये तो पोल है, पिन टाइप इंसुलेटर है ना, कई बार आप सैकले तो ये सब आप आसपास में चीजें देखते होंगे। जैसे पिन टाइप की अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो बेटा पिन टाइप हम 33 kV के लिए अपना इस्तेमाल करते हैं, ओके। फिर डिस्क टाइप है, हम कहते हैं हम तो 33 से ऊपर इस्तेमाल करेंगे और प्रत्येक जो डिस्क होती है वो 11 kV के लिए डिजाइन की जाती है। सैकले टाइप इंसुलेटर आप कहेंगे कि जो काम ट्रांसमिशन में स्ट्रेन करके आता है, कि जहां लाइन में कुछ कर्व होती है या फिर आप कहें कि जहां लाइन डेड एंड होती है, वही काम लो वोल्टेज के लिए यानी 11 kV से कम के लिए सैकले टाइप करता है। कल हमने फोटोज पिक्चर्स में भी देखा था लास्ट सेशन में, राइट ना। तो हम कहेंगे देखिए 132 के लिए बेटा आप ये सेटअप देखते हैं, प्यारे बच्चों आप ये सेटअप देखते हैं, बताइए देखते हैं कि नहीं, आप ये सेटअप देखते हैं, ओके जी। तो आप अपने आसपास में या कहीं पर भी आप ट्रेवल करेंगे रास्ते में तो ये आपको भरपूर दिखाई देगा। तो बेटा ये बना रखा है यहां पर, ये बना रखा है यहां पर जी डिस्क या सस्पेंशन टाइप, डिस्क या सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, डिस्क या सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, ये यहां पर है डिस्क या सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। माय डियर जब हम डिस्क और सस्पेंशन की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा 3 टाइप्स ऑलरेडी पेपर में आ चुके हैं। हम कहेंगे कि हाउलेट एंड इंटरलिंकिंग, बोलो बाबा केदारनाथ की जय, हाउलेट एंड इंटरलिंकिंग कहेंगे बेटा। दूसरा अगर हम कहेंगे तो प्यारे बच्चों ये होता है हमारे पास में सीमेंटेड केप टाइप, और तीसरा हमारे पास में हो जाता है कोर या बेटा लिंक टाइप। ये तीनों, ये सबसे पहले वाला है बेचारा हाउलेट ना, सबसे पुराना है ये, ओके। तो इसे वर्टिकल पोजीशन में लगाएंगे, जनरली हम लोग पोर्टलैंड मटेरियल से हम ज्यादा प्रीफर करते हैं सॉरी। तो ये दिमाग में रखिए, ये रहती है कहानी हमारे सस्पेंशन इंसुलेटर। अगर बेटा पोर्टलैंड मटेरियल की बात आती है, ये एसएससी में आया, कवलिन फ्लैट स्पोर्ट्स और क्वार्ट्ज का एक मिक्स मटेरियल हुआ करता है बेटा। देखा है ट्रांसमिशन लाइन, बिल्कुल देखा होगा। चलिए प्यारे बच्चों यहां पर आ जाइए जरा देखिएगा, यदि ट्रांसमिशन सिस्टम की आवृत्ति 50 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज में बदल दी जाए तो स्ट्रिंग दक्षता
क्या कहलाती है? हमें दिमाग में रखना है बेटा फॉर्मूला. इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ट्रांसमिशन सिस्टम इज चेंज्ड फ्रॉम 50 हर्ट्ज टू 100 हर्ट्ज देन स्ट्रिंग एफिशिएंसी. प्यारे बच्चों, आपके सामने कुछ मार्क करना चाहूंगा. माय डियर स्टूडेंट, आपको ये कह दूं अंश जी, पढ़ाते समय बेटा ये ध्यान में नहीं रहता कि कौन से कलर से लिखना है. भाई फ्लो में लिख दिया होगा भाई जो आपको दिखानी, ठीक है, लेकिन बोल तो रहा ही हूं तो वो फ्लो में कई बार यार पढ़ाते समय पूरा कंसंट्रेशन यहां होता है भाई, लिखने विखने पे ध्यान जाता नहीं कई बार कि किस पेन से लिख दिया. तो बेटा हम ये देखते हैं कि देखिए यार, जब पूरी कहानी पर हम चलें, अगर ये सी यानी संट कैपेसिटेंस है, ये भी सी है और ये भी सी है, अगर थ्री डिस्क की हम बात करें और बेटा ये संट आ जाए, ये सी वन है और ये सी वन है, यहां सबसे ऊपर हमने वोल्टेज वी वन ली है, यहां पर इससे नीचे हमने वी टू ली है और फिर हमने बेटा ये वी थ्री लिया है, टोटल वोल्टेज हमने वी लिखा है. तो हम स्ट्रिंग एफिशिएंसी यही तो कहेंगे कि टोटल वोल्टेज स्ट्रॉन्ग अक्रॉस स्ट्रिंग नंबर ऑफ डिस्क इनटू जो कंडक्टर के पास वाले डिस्क है इसमें वोल्टेज. अगर बेटा संट कैपेसिटेंस इफेक्ट ना आता हो तो हम तो बड़े क्लियरली कहेंगे बड़े आत्मविश्वास के साथ कि अगर संट नहीं आएगा तो बहुत अच्छा है जी, फिर तो 100% स्ट्रिंग एफिशिएंसी है. ओके, तो हम कहेंगे कि फ्रीक्वेंसी से तो यार हमने कुछ ऐसा मामला देखा नहीं, तो हम कहेंगे जी रिमेन्स अनचेंज्ड. फ्रीक्वेंसी से हम लोगों ने कोई मामला ऐसा देखा नहीं, हम कहेंगे रिमेन अनचेंज्ड. फिर ये याद रखिएगा कि अभी हमने जिक्र किया है कि 100% स्ट्रिंग एफिशिएंसी माय डियर किस केस में मिल सकती है. अभी तो हमने कहा कि यदि हर एक डिस्क के क्रॉस में, यदि हर एक डिस्क के क्रॉस में बराबर वोल्टेज का डिवीजन हो जाए, जैसे टोटल वोल्टेज हमें V दिया जाए और बेटा यहां पर भी हमें V बाय थ्री देखने को मिलता हो, V बाय थ्री, तो हमें जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी मिलेगा वो हमें मिल जाएगा 100%. वेरी गुड. तो हम क्या कहेंगे, देखिए कि हर एक डिस्क में यदि इक्वल वोल्टेज का डिवीजन हो जाए, बराबर वोल्टेज मिल जाए, तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी हमें देखने को मिल जाएगा जी 100%. प्यारे बच्चों, ये तब पॉसिबल है जब यहां से टोटल करंट यानी बराबर करंट जाता हो. हम यहां से देखें तो कहानी कुछ ये है मेरे दोस्तों, कहानी तो रियल ये है कि ये अलग अलग यूनिट है और जब हम लोग सेल्फ की बात कर रहे हैं, भाई सेल्फ की बात कर रहे हैं तो हमने कहा जी सेल्फ का मतलब है सिर्फ ये सी कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करना. संट का मतलब अगर लेंगे तो देखिए आपस में दो अलग अलग जो यूनिट बेटा जुड़ती है ना, वो ऐसे कनेक्ट होती है तो किसी ना किसी मेटल से तो डेफिनेटली करते हैं हम लोग. तो अगर एक मेटल है, हम क्या कहते हैं, ऊपर भी मेटल पार्ट है नीचे भी, तो बेटा एक सेल्फ कैपेसिटेंस है. फिर एक हम टावर को लेते हैं, टावर भी बेटा मेटल कंडक्टर का होता है, राइट ना. हमने कहा कि अगर एक मेटल ये है जिससे ये बंधा है और एक मेटल ये है तो एक कैपेसिटेंस यहां भी मिलेगा. तो यदि संट कैपेसिटेंस बेटा आ जाता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हर एक डिस्क में अलग अलग वोल्टेज हमें देखने को मिलती है और जो कंडक्टर के पास वाली डिस्क होती है इसमें हमें सबसे ज्यादा वोल्टेज देखने को मिलती है और भैया इसी में हमें सबसे ज्यादा करंट देखने को मिलता है. ये मामला हो जाता है गड़बड़, यानी कि लेस देन 100%. इसके बाद हम करते हैं कि यदि स्ट्रिंग एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए, हाँ जी स्ट्रिंग एफिशिएंसी को अब विकास जी मेरे से क्यों पूछ रहे हो, अपने जिन मास्टर जी ने जो बताया आपको वो पढ़े भाई, ठीक है जी, हमें इससे कोई मत लेना देना नहीं भाई, ठीक है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है भाई. अब आप जो पढ़ रहे आप पढ़े भैया, जिससे मतलब आप पढ़े, हमें प्लीज पढ़ाने दीजिए. हम किसी अध्यापक के लिए गलत बोल ही नहीं सकते, ये हमारे संस्कार नहीं है दोस्त, ठीक है, और ना ही मैं आपकी बात पे विश्वास करता हूं. चलिए बेटा, तो हम देखते हैं कि यदि संट कैपेसिटेंस आ जाए तो मामला गड़बड़ हो जाता है. यदि हम बेटा इक्वलाइजर हम इक्वलाइज कर दे वोल्टेज को तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी अच्छी हो जाती है. अब हमने कहा जी कैसे करें, हमने कहा लॉन्गर करो साम्स लगा दिए, ग्रेडिंग ऑफ इंसुलेटर्स कर दिया जाए या गार्ड रिंग स्टैटिक शील्डिंग कर दिया जाए. चलिए देखिएगा, कह रहा है
कि 400 केवी एसी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए इंसुलेटर एक स्ट्रिंग में डिस्क की संख्या बताइए। बेटा जो ये जनरली वोल्टेज मेंशन होती है प्यारे बच्चों, ये हम लोग रखते हैं लाइन वोल्टेज। माय डियर स्टूडेंट, ये रहेगी लाइन वोल्टेज। आपने कहा सर देखिए हमें तो ये सिखाया जाता है कि 11 केवी फेज वोल्टेज ये है जी। ओके सर क्या किया जाए? हम बोले देखो भाई काम करो, इसे 400 डिवाइड बाय 1.7 यानी कि 231 वोल्ट आ गया जी। और बेटा ये हमें मिला जी देखिए फेज में, क्योंकि बेटा ये 400 जो मिल रहा है ना, ये मिल रहा है यार लाइन में, है ना, ये मिल रहा है लाइन में। अब हमने 232 या 31 को डिवाइड करना है यार किससे भाई, डिवाइड करेंगे हम लोग 11 से, तो हमें मिल जाएगा 21 point something, हमें मिल गया जी 21.02। तो हमें देखने को मिलेगा कि सबसे बेस्ट क्या है कि एक फालतू ही यूज करिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि 22 से 23 को लगा दीजिएगा। हमने कहा जी 22 से 23 को, बेटा ये हो गए हमारा ऑप्शन बेटा बी, 22 से 23 क्या हो गया बेटा, 22 से 23, वेरी गुड एक्सीलेंट। आइए प्यारे बच्चों ये रहा जी देखिए मामला आपके सामने, ये रहा जी मामला आपके सामने। यार भयंकर डिस्क लगा रखी भाई, देख लो यार, मतलब तुम लोग सोच भी नहीं सकते ना कितना चैलेंजिंग टास्क है यार। जो लोग इन पर चढ़कर अपना काम करते हैं ना, सैल्यूट है यार, और गर्व होता है कि हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, मतलब खतरों के खिलाड़ी भाई। अब देखो जरा, अरे ये भी तो इस फील्ड के ही लोग है ना, तो इन्हें सैल्यूट करना चाहिए यार। तो जरा देख लो डेस्क ना, कितने प्यारे से डेस्क है ना, ये सब डेस्क कितनी ज्यादा संख्या में डेस्क है जरा देख लो। तो इतने बड़े बड़े ये डिजाइन कर जाते हैं यार, इतने बड़े बड़े डिजाइन होते हैं यार इसके। चलिए जी, कोरोना होने की संभावना सर्वाधिक होती है। पहले कोरोना को जरा ध्यान से सुनिएगा, कोरोना हम लोग क्या कहते हैं कोरोना का मतलब है देखिए कि अगर हम लोग हवा में देखते हैं तो बहुत सारे हमारे फ्री आयन्स, ऐसे चार्ज आयन्स प्रेजेंट है अनलिमिटेड वे में, और जब मौसम खराब होता है तो फिर तो बहुत ज्यादा है। तो जैसे ही डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस क्या है, यस बिल्कुल, इतना ज्यादा डिस्क क्यों लगाते हैं, क्योंकि वो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन है, फ्री में तो आ नहीं जाएगा कि दो डिस्क लगा के काम चला लो, कैसे नॉनसेंस बात है, है? आप इलेक्ट्रिकल से बिलोंग नहीं करते, फिर आप इलेक्ट्रिकल की बेइज्जती कर रहे हैं सवाल पूछ के इतनी ज्यादा डिस्क क्यों लगाते हैं, अरे ऑपरेटिंग वोल्टेज ज्यादा है दोस्त। हाँ जी, तो कोरोना के सरफेस पर एक आयनाइजेशन लेयर हो जाती है जिसके कारण में देखने को मिलता है वायलेट ग्लो, हिसिंग नॉइज एंड प्रोडक्शन ऑफ ओजोन, और यही बेटा हमारा है देखिए कोरोना। ओके, तो कोरोना होने की संभावना ऐसे मौसम में ज्यादा होगी जब नमी ज्यादा होगी, जब मॉइस्चर कंटेंट बेटा ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये होता है आर्द्र मौसम यानी कि ह्यूमिड वेदर। अब ड्राई जितना भी होगा, विंटर हॉट समर, इनमें थोड़ा कम रहेगा, तो ह्यूमिड वेदर में ज्यादा कोरोना के चांसेज है। चलो कोरोना को देख लो जरा, हम तो इलेक्ट्रिकल वाले हैं, कोरोना से इसलिए डर लगा भी नहीं, देखो ना कोरोना बीमारी भी आई और निकल भी ली भाई पतली गली से, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वाले हैं, इलेक्ट्रिकल वालों को पहले से पता था कि इस बीमारी का इलाज क्या है, 2 गज दूरी है जरूरी, यदि कंडक्टर्स के बीच की बढ़ा दो दूरी तो कम हो जाएगा कोरोना के चांसेस, है ना। ये रहा कोरोना, तो हिसिंग नॉइज, प्रोडक्शन ओजोन, और देखो वायलेट ग्लो, ये चमक बेटा। अब कोरोना को कैसे कम किया जा सकता है, कंडक्टर के डायमीटर को बढ़ाकर, कंडक्टर्स के बीच की दूरी को बढ़ाकर। आप अल्ट्रा हाई वोल्टेज की बात करेंगे तो प्यारे बच्चों अल्ट्रा हाई वोल्टेज में होलो कंडक्टर यूज करके हाई वोल्टेज, या एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में बंडल कंडक्टर, और हाई वोल्टेज में कंपोजिट कंडक्टर्स का बेटा आप यूज करते हैं सेफ्टी वॉल्व में। बढ़िया, अच्छा एप्लीकेशन है, वेरी गुड। एडवांटेज क्या है कि कंडक्टर के सतह पर, कंडक्टर एप्लीकेशन तो वो हो गया सेफ्टी वाल्व को, जोन इंडस्ट्री वो ठीक है, एडवांटेज अच्छा क्या है, लाइटनिंग सर्ज से एक सुरक्षा भी मिल जाएगी, स्टिफनेस कि वॉइस हज हज अच्छा लगता है सुनने में, अच्छा ही सेज सही है। तो ये सब कोरोना की अपना कहानी है। चलिए जी,
कोरोना लॉस इंक्रीज विद, कोरोना लॉस किसके साथ में इंक्रीज होता है? चलिए कोरोना लॉस की बेटा कहानी देखते हैं। देखो दो तीन फॉर्मूला है। एक होता है क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। माय डियर, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज का मतलब होता है यार बच्चों कि वो वोल्टेज जिस पर कोरोना बनना शुरू हो जाए। क्या है क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज? जिसे हम लिखते हैं एम नॉट जी नॉट डेल नॉट आर और लॉग ए डी बाई आर किलो वोल्ट। बेटा अगर हम देखें तो यार हमें डायरेक्टली तो प्रोपोर्शनल टू आर ही लग रहा है ना। ओके, फिर हमें यह भी पता है कि कोरोना पावर लॉस प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एफ प्लस 25 एक जगह लिखते हो ना, और कोरोना पावर लॉस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वीसी एंड रेडियस। कुछ ये एक आइडिया लगा लेते हैं, हमने बताया भी था है ना। तो ये बताइएगा कि किसके साथ इंक्रीज करेगा। आप कहेंगे कि यदि कंडक्टर साइज में डिक्रीज हो, ध्यान से देखिएगा, कंडक्टर साइज में डिक्रीज हो ओके, और सप्लाई फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज हो। देखो ये रिलेशन मैंने कहां से लिखे हैं, ये रिलेशन बेटा कहीं और से नहीं आए, ये आते हैं 242.2 एफ प्लस 25 अपॉन डेल और बेटा आर अपॉन डी इंटू 10^-5 वी माइनस वी सी स्क्वायर वी माइनस वी सी स्क्वायर इंटू ये आते हैं किलोवाट पर किलोमीटर पर फेज में। बेटा ये फॉर्मूले से ये हमें देखने को मिल जाता है। तो प्यारे बच्चों हम क्या कहेंगे, देखिए ऑप्शन ए हमारा बेस्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, आर्द मौसम में वोल्टेज पर कोरोना होता है। देखिए अगर हम ह्यूमिड वेदर की बात करते हैं तो कोरोना बेटा मॉइस्चर कंटेंट यदि ज्यादा होता है लाइन के आसपास में तो ज्यादा बनने के चांस रहते हैं और कम वोल्टेज पर बनना शुरू हो जाता है। यदि मॉइस्चर रहता है तो मॉइस्चर रहने से ये लेस वोल्टेज पर ही बनना शुरू हो जाता है और जो कि एक खतरनाक साइन होती है। तो ह्यूमिड वेदर में कोरोना अकर्स एट ए वोल्टेज मच लेस देन दैट नीडेड इन फेयर वेदर, यानी साफ स्वच्छ मौसम में ये देर में बनता, लेकिन अगर खराब मौसम है तो वो जल्दी बनने लग जाएगा। बेटा ये हमारा हो गया देखिए ए, राइट। चलिए बेटा नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ये फिर से प्यारा सा कोरोना दिखाया आपको, जानबूझ के दिखाया क्योंकि आपको डर ना लगे कोरोना से, है ना, आपका डर दूर हो जाए कोरोना से आपकी। हमने कहा तो कि इलेक्ट्रिकल वाले हो डरने की आदत छोड़ दो, फिर कहा कि ओवरहेड लाइनों में तापमान वृद्धि का प्रभाव। बेटा हमने मैकेनिकल के ज्यादातर क्वेश्चन इसमें कवर करने की कोशिश किया है, मैकेनिकल डिजाइन और ट्रांसमिशन लाइन ना, ज्यादातर यही चीजें देखने को मिलेंगी भी। तो आप कहेंगे कि ओवरहेड लाइनों में तापमान वृद्धि का प्रभाव देखिए। प्यारे बच्चों आप ये कहते हैं कि देखिए अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने की बात हम कर रहे हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से सैग बढ़ जाता है ना, और टेंशन कम हो जाती है। सैग टेम्पलेट ये सब ड्रॉ करते हो ना आप, हाँ जी, स्ट्रिंगिंग चार्ट ये सब बनाते हो, तो सैग में इंक्रीज करेगा और डिक्रीज इन टेंशन। तो बेटा क्या हो गया देखिए, ऑप्शन हमारा बन गया जी सी, सैग हमारा बढ़ेगा टेंशन हमारी कम हो जाएगी। ये सब देखिए जी हमने बनाकर भी दिखाया है। टेंशन किस में मार्क है बेटा, किलोग्राम में, और सैग हमारी वही अपने नॉर्मल मीटर्स में। तो टेम्परेचर के बढ़ने से बेटा सैग बढ़ जाता है और जो टेंशन होती है बेटा वो कम हो जाती है। प्यारे बच्चों ये भी याद रखिए, अगर हम लोग जैसे नॉर्मली ये भी अपने दिमाग में रख लीजिए बेटा कि अगर ये जो स्पान दिया है बराबर की दूरी पर, अब जैसे हम यूपीपीसीएल जेई को टारगेट कर रहे हैं बेटा, तो हमें डेरिवेशन से उतना मतलब नहीं है कि हम 3 पेज की डेरिवेशन करें, है ना। हमें आवश्यकता किस चीज की है, हमें जरूरी है कि हमें फॉर्मूला अपने समय पर याद आता है कि नहीं, माय मीन्स ये टेंशन है। हमने कहा जी हम सैग लिख लेते हैं, सैग होता है लोवेस्ट पॉइंट से जहां सपोर्ट दी जाती है जब बांधा जाता है ये, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8t, ये बेटा होता है सैग का फॉर्मूला। प्यारे बच्चों यदि हम ये कहें कि ये है, ये S1 है और ये X1 है, ये X2 है और यहां से जो दूरी दी गई है ये S2 है। प्यारे बच्चों S2-S1 का जो डिफरेंस है मान लिया वो H है। फिर ये भी आपको याद रखना चाहिए कि X1W X1 स्क्वायर अपॉन 2t लिखा जाता है और X2W
एक्स टू स्क्वायर अपॉन टू टी लिखा जाता है, जहां पर एक्स वन बराबर में एल बाई टू माइनस टी एच बटे डब्ल्यू एल हो जाता है और एक्स टू बराबर में एल बाई टू प्लस में टी एच बाई डब्ल्यू एल बेटा यहां बन जाता है। प्यारे बच्चों आपको याद तो ये भी रखना चाहिए था कि देखिए जब हम तनाव की बात कर रहे हैं सैग किसके नियरेस्ट मिलेगा, सैग तो जो जिसकी हाइट कम है उसके नियरेस्ट, लेकिन तनाव किसके नियरेस्ट ज्यादा दिखेगा, जिसकी हाइट ज्यादा होती है उसके नियरेस्ट हमें तनाव ज्यादा दिखता है। हम ये भी कहते हैं कि देखिए जी गर्मी को दिनों में सैग बढ़ जाता है और तनाव कम हो जाता है, लेकिन वहीं पर इफेक्ट ऑफ आइस, आइस गिरने की वजह से सैग हमारा ज्यादा होता है, विंड से भी सैग में बेटा प्रभाव पड़ा करता है। तो प्यारे बच्चों एक नॉर्मल सी कहानी सुनाने में इस समय आता हूं आपको, है ना, सुन लिया करो ध्यान से। कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ कॉपर रिक्वायर्ड फॉर एन एसी ट्रांसमिशन लाइन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, एक एसी ट्रांसमिशन लाइन के लिए आवश्यकता तांबे का आयतन व्युत्क्रमानुपाती होता है। बताइएगा, बड़ा ही प्यारा सा और छोटा सा सवाल है और ये आप लोगों से वादा रहा कि हर एक दिन आपको बड़े ही तरीके वाले सवाल भी मिलेंगे और जितने भी प्रैक्टिकली व्यू है वो भी प्रयास करूंगा आपको रेडी फॉर सिलेक्शन सीरीज में देने का। थोड़ा सा थकान ज़्यादा लग रही थी इस वजह से मैंने आपसे क्षमा मांगी थी, आपको सॉरी बोला था कि सॉलिड फाउंडेशन सीरीज को कुछ दिन यानी 2-3 दिन के लिए थोड़ा सा ब्रेक दे देते हैं, तो उसके लिए हम आपसे भैया क्षमा मांगते हैं, अपने बच्चों से क्षमा इसलिए मांग रहे हैं कि अपनों को बोल रहे हैं, ठीक है, तो टेंशन मत लेना भाई। चलिए जी आ जाइए, एक ट्रांसमिशन लाइन के लिए बताइए जी हम क्या कहेंगे। देखिए अगर हम वॉल्यूम की बात किया करते हैं बेटा तो जो वॉल्यूम होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज का स्क्वायर भी आता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर फाई भी आता है, और ये बेटा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन का एक फायदा होता है कि लेस क्रॉस सेक्शन एरिया रिक्वायर्ड, और बेटा ये हाई पावर फैक्टर का भी एक एडवांटेज होता है। मशीन तो मैंने पढ़ाई ही नहीं तो पूरी नहीं होने का मतलब ही नहीं, मशीन तो मैंने कराई ही नहीं, शायद आप कंफ्यूज हो, मैंने प्रीवियस ईयर के एसएससी के सवाल लगवा रहा था एक बच्चे ने, बल्कि मैंने तो देखा भी नहीं, तो मुझे एक बच्चे ने कहा कि सर ये सवाल तो हमें आज अरुण सर ने लगवाए, तो मैं बोला यार अरुण सर ने लगवाए, तो फिर मैंने सर से बात करी तो सर ने कहा हाँ PYQ तो मैं ही करवा रहा हूँ, तो मैंने कहा आप ही करवा लीजिए भाई, है ना, तो सर करवा ही रहे हैं, मैंने तो मशीन अभी छेड़ा ही नहीं भाई दोस्त। तो बेटा कितना है देखिए वोल्टेज और पावर फैक्टर, तो हम कहेंगे बोथ बी एंड सी। चलिए भारत में विद्युत शक्ति के वितरण के लिए हम आमतौर पर उपयोग करते हैं, बेटा ये वितरण की बात हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात हुई है, बेटा डिस्ट्रीब्यूशन की बात हुई है, है जी डिस्ट्रीब्यूशन की बात हुई है प्यारे बच्चों। तो देखिए वुडन पोल को हम डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं करते, हम वहां करते हैं जहां हमें टेम्परेरी सप्लाई देनी होती है। यस डेफिनेटली कमेंट पे ध्यान नहीं दूंगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कमेंट पे ध्यान देने से वैसे भी बच्चे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं और मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, तो बिल्कुल बेटा स्टील के पोल को हम ज़्यादातर शहर में इस्तेमाल करते हैं और गांव में बेटा हम लोग RCC पोल को यूज़ किया करते हैं। तो ये देखिए बेटा यहाँ हो गया डी बोथ बी एंड सी। चलिए बेटा यहाँ पर आ जाइएगा RCC पोल, देखिए सुंदर सा प्यारा सा ये देखा होगा आपने, है ना, RCC पोल रहता है भाई, अच्छा जी हाँ देखा तो कहीं कहीं पे देखा है मैंने, तो बल्कि डबल लाइन दिखाई है, ये नॉर्मल RCC पोल है, ये बड़ा है, ये नॉर्मल हमारे RCC पोल्स आपने देखे भी होंगे ना, 3 वायर अपना खींचे हुए, अपना ये इंसुलेटर हम लोगों ने लगा दिया बेटा यहाँ, ये स्टील के पोल हमने देखे हैं जी। तो इसने हम जैसे रेलवे में भी कर रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूशन में हम बात कर रहे हैं, तो बेटा यहाँ हम गाँव में इनको ज़्यादा करते हैं, थोड़ा लगाने में दिक्कत है, लाइफ अच्छी होती है, लेकिन ट्रांसमिशन लाइन में सैग सबसे कम प्रभावित होता है बेटा, सबसे कम प्रभावित की बात है, एक बार ठोको तो शेयर जल्दी से, एक बार शेयर कीजिए जल्दी से बेटा, क्या कह रहा है कि ट्रांसमिशन लाइन में सैग सबसे कम प्रभावित होता है, मैंने ये नहीं कहा नहीं होता, मैंने कहा सबसे कम प्रभावित किससे होता है, देखिए वेट से यार, जरा सोचिए वेट से तो होता है W L स्क्वायर बाई
80। जरा ध्यान से देखिए यार, वेट है ना क्लियर। ओके सर, यार वेट तो है। फिर कह रहा है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, है ना, ये कह रहा है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। अब यार टेम्परेचर से तो है, अगर गर्मी होगी तो यार डेफिनेटली सैग बढ़ जाता है। ओके, हमने बताया तो देखिए अभी टेम्परेचर से, हाँ यार दिखाया तो है सर ने सैग को बढ़ता हुआ। एक है आइस डिपोजिशन ऑन द कंडक्टर, बेटा अगर आइस गिरेगी तार पर तो वजन बढ़ जाएगा। अगर वजन बढ़ गया, W प्लस डब्लू आई आइस का वजन बढ़ गया, तो भैया हमें पता है ना सैग तो बढ़ जाएगा। देखिए करंट से डेफिनेटली इफेक्टेड तो होता है, क्योंकि बेटा हमें ये पता है कि जो हीट होती है, जो हीट है प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, ये तो हमें पता है प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। ओके हाँ सर, ये तो बात सही है। अगर करंट बढ़ता है तो हीट डेफिनेटली बढ़ती तो है और ये प्रभाव तो करेगी, लेकिन सबसे कम करता है। क्या कह रहा है कि बहुत कम प्रभाव पड़ता है, और ये है देखिए यहां करंट थ्रू द कंडक्टर, करंट थ्रू द कंडक्टर, बेटा इससे सबसे कम प्रभाव पड़ेगा कहां, सैग पर। ओके चलिए जरा देखिए, हमने बनाया भी है सुंदर सा एक कलरफुल डिजाइन बनाया है, है ना। जैसे आपके जीवन में, हम तो यही दुआएं करते हैं कि आपके जीवन में ऐसी खुशियां आती रहें और ऐसे ही आपका जीवन भी हरा भरा और रंगीन रहे, है जी। जैसे ये डायग्राम है, हरा भरा और रंगीन बना रखा हमने, आपके जीवन को ऐसे हरा भरा और रंगीन बन जाए बस, है ना। तो ये रहा कंडक्टर बेटा, ये कंडक्टर है, ये सबसे नीचे वाला बिंदु है और ये बन गया जी ग्राउंड क्लियरेंस। ये बनता है निचले पॉइंट से ग्राउंड क्लियरेंस, ये हो गया सैग। और डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 80 बराबर सपोर्ट के लिए, जब ये सपोर्ट लेवल हमारा होता है बराबर सरफेस पर, तो भैया हमने कहा जी ये फॉर्मूला वैलिड है। चलो जी, ये दिया है यार एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड ACSR दिया है। बीच में इसमें क्या लगाते हो, बीच में लगाया करते हो इसमें, देगा आप स्टील के वायर ACSR क्या लगा रहे हो, ये स्टील लगा रहे हैं भाई, वाह मजा आ गया भाई। अगर हम कहें कि कम मैकेनिकल स्ट्रेंथ की जरूरत है जी, कम की जरूरत है, तो 1:6 में लगाया करते हैं कि अगर एक स्टील तो 6 एल्युमिनियम, अगर ज्यादा की है तो 1:4 में लगा लो। लेयर का फॉर्मूला लिखाया था ना, याद कर लो, 3n n+1 लेयर का फॉर्मूला आपको ये लिखा रखा है कितनी, अच्छा ये भी बात सही हो गई। लेयर में कितने स्ट्रैंड या कितने कंडक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं ये सब बता दिया ना आपके लिए। ओके तो इससे मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो आप स्टील को लगा क्यों रहे हो, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, तो बेटा इसलिए लगा रहे हो ना ताकि मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ सके। तो आप कहेंगे जी डी हमारा परफेक्ट है सर, मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाना ही तो बेटा उद्देश्य है। इस पर ऑलरेडी बेटा यहां तक आप लोगों के तो छोड़ दो, बेटा ये बता दूं कि इस पर आधारित हमारा ITI वालों बच्चों से भी सवाल पूछ लिया यार। अब देख लो एग्जामिनर क्या क्या हरकतें कर रहा भाई, इस पर आधारित ITI वाले बच्चों से भी सवाल पूछा गया है, 3n n+1 इस पर आधारित ITI वाले बच्चों से सवाल पूछा गया है। ठीक है जी, प्रोवाइड एडिशनल मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ओके ओके जी सर, आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो ये रहा स्टील की कोर, अब यहां देखो बड़े व्यू में ये लगा रखी है एल्युमिनियम की। अब एल्युमिनियम सस्ता है, इजीली अवेलेबल भी है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम कम, बढ़िया तो है, अपना पैसे की बचत भी हो जाएगी, है ना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए ये आपने इस्तेमाल कर लिया। लेकिन हाँ कुछ जगह सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा, जैसे कंडक्टिविटी तो कम है ही भाई। द सैग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर इन समर इज, समर यानी गर्मियों में, अभी तो कहा गर्मियों में सैग बढ़ जाती है, तो गर्मियों में अभी तो कहा बी यानी सर्दियों की तुलना में अधिक हो जाती है, मोर देन दैट इन विंटर। ओके चलिए बेटा देखिए नेक्स्ट, आगे बढ़िए, किसी विशेष सिस्टम पर, ये तो तुम बिना देखे ही कर दोगे, मुझे तुम्हारे पे ये भरोसा जरूर है कि ये रटने वाले सवाल तो तुम गलत कर ही नहीं सकते, ये तो तुम बिल्कुल कर ही नहीं सकते कभी गलत, ये तो तुम्हारे पे बिल्कुल भरोसा है मुझे।
50 हर्ट्ज पर कोरोना लॉस 1 किलोवाट पर किलोमीटर पर फेज है, तो 60 पर बताइए, ये तुम बिल्कुल नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं, कोरोना लॉस प्रोपोर्शनल टू एफ प्लस 25, ओके, यानी P2/P1 बराबर में F2+25/F1+25। तो बेटा P2/P1 कितना है 1, F2 कितना है 60 पूछा है, तो 85/75, बोलो बाबा केदारनाथ कीजिए, 1.13। ये तुमने रट भी रखा भयंकर वाला ना, ये ना छोड़ने वाले तुम, बहुत खिलाड़ी हो वैसे ना। चलिए जी नेक्स्ट आइए कि भारत में उच्चतम ट्रांसमिशन वोल्टेज कितनी है। भारत में उच्चतम ट्रांसमिशन, ये ऊपर जो दिख रहे हैं ना तुम्हें, ये अर्थिंग कंडक्टर है दोस्तों, अर्थिंग कंडक्टर है ये, ये जो ऊपर दिखेंगे सबसे ऊपर चोटी पे दो किनारों पे, ये अर्थिंग कंडक्टर होते हैं लाइन में। तो कितना है 765 केवी, 765 केवी, ये बाय मिस्टेक कॉपी हो गया, तो 765 किलो वोल्टेज। चलिए विद्युतीय शक्ति का प्राथमिक वितरण किया जाता है, बेटा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है, सही उत्तर देना नहीं तो मार पड़ेगी। बोलो जी जल्दी से, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, दो वायर यूज होते हैं ऊपर 765 केवी वाले में, अर्थिंग वायर है यार ऊपर वाले, जल्दी से बोलो, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की बात है ना कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन अगर किसी ने नहीं देखा होगा ना तो अपने आसपास में देख के आना, आसपास में देख के आना, क्या कहोगे, अबे देखो किसने गलती कर दिया, थ्री फेज थ्री वायर, अच्छा चलो इसे भी देख लो, फिर देख लो है ना, ये बेटा इधर से आया ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, फिर है 3311 केवी से किया, ये कहलाता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ये कहलाता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन पर जो लोकल सबस्टेशन है या जिन्हें हम सेकेंडरी सबस्टेशन कहते हैं बेटा, ये जुड़े होते हैं साथ में, जो बड़ी बड़े कंज्यूमर्स है, फैक्ट्री है बेटा, ये जुड़े होते हैं। तो ये हम कहां से कर रहे हैं, थ्री फेज थ्री वायर से, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन थ्री फेज फोर वायर से। तो बेटा हमारा सही आंसर क्या है, थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम से। चलिए द टर्म सर्विसमैन रेफर्स टू, सर्विसमैन का मतलब क्या समझते हैं, सर्विसमैन का मीनिंग क्या समझते हैं। देखिए बेटा सब स्टेशन से आपने देखिए, सब स्टेशन से हमें ये मिल गया जी फीडर, हमने कहा जी हाँ ये तो बात सही थी, हमने कहा जी डिस्ट्रीब्यूटर है, ये क्या है डिस्ट्रीब्यूटर है, ये जो दिखाया है ना मेरे बच्चों, ये लोकल सब स्टेशन दिखाया गया है और कुछ नहीं, ये लोकल लोकल सब स्टेशन है, लोकल सब स्टेशन या सेकेंडरी सब स्टेशन होता है। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, फीडर एक कनेक्टिंग वायर होता है सब स्टेशन और सेकेंडरी या लोकल सब स्टेशन के बीच में। फीडर को बेटा करंट कैरिंग कैपेसिटी के अनुसार डिजाइन किया जाता है और उस पर टैपिंग नहीं लगाई जाती। जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है बेटा, ये होता है लोकल या सेकेंडरी सब स्टेशन से कस्टमर के घर के बाहर तक जो लाइन दिखाई देती है ना, उसे कहा जाता है बेटा डिस्ट्रीब्यूटर। इसे जनरली डिजाइन किया जाता है वोल्टेज ड्रॉप के आधार पर, इसे जनरली डिजाइन किया जाता है वोल्टेज ड्रॉप के आधार पर। सर्विस मेन बेटा जो कनेक्टिंग वायर है, यानी कंज्यूमर के घर तक जो वायर जा रहा है ना, वो है सर्विस मेन, जिसे लोड के अनुसार डिजाइन किया जाता है। द टर्म सर्विस मेन, सर्विस मेन से कौन सा मतलब है, क्या प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है, बताइए सर्विस मेन आपको कहां देखने को मिल रहा है। तो आप कहेंगे जी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, बेटा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब नहीं, प्राइमरी ट्रांसमिशन नहीं, सेकेंडरी ट्रांसमिशन नहीं, तो कहां है जी, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन से मत लेना देना होता है बेटा। चलिएगा नेक्स्ट आगे बढ़िएगा, कह रहा है कि जब किसी चालक के प्रत्यावर्ती धारा प्रभावित होती है तो फ्लक्स बदल जाता है, या ये कहें कि करंट अपना चेंज हो जाता है, करंट के बहने का।
थोड़ा सा वे अलग है, चलिए बताइए कि कैसे होता है। जरा ये ध्यान से देखिएगा, इस सवाल को ध्यान से देखिएगा, क्या पूरा जो करंट होता है ये कोर से बेटा बहता है? नहीं जी, आप कहते हैं कि पोर्शन ऑफ कंडक्टर नियर सरफेस कैरेज मोर करंट इन कंपैरिजन टू द कोर, करंट रिमेन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, जी गलत है। पोर्शन, देखिए जब हम डीसी की बात कर रहे हैं बेटा, यही तो है स्किन इफेक्ट प्यारे बच्चों, जब हम डीसी की बात कर रहे हैं तो डीसी में पूरा एरिया करंट फ्लो कराने के लिए जिम्मेदार था, एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हमें करंट का बेटा दिखाई देता है कंडक्टर सरफेस में। लेकिन बेटा जब हम एसी की बात कर रहे हैं तो एसी में बेटा, एसी में हमें दिखाई दे रहा है, देखिए यहां सरफेस पर बेटा एक ज्यादा करंट और बेटा कोर यानी कि यहां पर बहुत ही लेस करंट, तो हम कहेंगे यही है हमारा स्किन इफेक्ट। क्या हो गया देखिए, स्किन इफेक्ट का डीसी से कोई मतलब नहीं होता, एसी में देखने को मिला करता है। ट्रांसमिशन लाइन का ट्रांसपोजिशन किया जाता है, जरा देखिए ट्रांसपोजिशन बेटा ये कर रहे हैं, ट्रांसपोजिशन किया जाता है। अरे क्यों कर रहे हो ट्रांसपोजिशन, क्यों कर रहे हो? इसलिए कर रहे हो यार दोस्तों ट्रांसपोजिशन की हो ये रहा है कि अलग अलग इंडक्टेंस हो जाता है, यानी कि जब बीच की दूरी डिफरेंट हो जाती है बेटा तो अलग अलग फेज में हमें अलग अलग इंडक्टेंस देखने को मिलता है, जिससे कि डिफरेंट रिएक्टेंस हो जाता है और अलग अलग फेज में डिफरेंट रिएक्टेंस के कारण बेटा अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप देखने को मिल रही है। तो बैलेंस सेंडिंग एंड वोल्टेज भेजने से भी बेटा हमें अनबैलेंस वोल्टेज प्राप्त हो रही है। तो हमने कहा जो ट्रांसपोजिशन करने का मतलब है कि कुछ दूरी पर हम लोग इनकी पोजीशन को इंटरचेंज अपना करते रहेंगे, जिससे कि जो एवरेज दूरी होगी कंडक्टर के बीच का, दूरी का जो एवरेज होगा वो लगभग हो जाएगा इक्वलाइज्ड, जिससे मतलब हो जाता है कि दूरी अगर इक्वलाइज्ड है तो लगभग हमें ज्यादा बैलेंस वोल्टेज रिसीव हो सकती है। ओके, साथ में नियर बाय जो इंटरफेरेंस होता है नियर बाय कम्युनिकेशन लाइन से वो भी हमें कम देखने को मिल जाता है। तो ये कर रहे हैं आप ट्रांसपोजिशन, तो ट्रांसपोजिशन आप क्यों कर रहे हो? तो बैलेंस लाइन वोल्टेज ड्रॉप, लाइन वोल्टेज ड्रॉप को संतुलित करने के लिए, बेटा आपका प्राइमरी मोटो है, ये आपका प्राइमरी मोटो है। अब उससे ये डेफिनेटली हमें डी जरूर मिल जाता है कि रिड्यूस इंटरफेरेंस, नहीं डी नहीं है, डी तो रिड्यूस कोरोना है। तो बैलेंस लाइन वोल्टेज ड्रॉप, हाँ ये जरूर है कि जो नियर बाय लाइन होती है उनसे थोड़ा सा हमें इंटरफेरेंस भी कम देखने को मिलता है। ओके जी, नेक्स्ट आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट दिया है बेटा ये कि 33 केवी शक्ति वहन करने वाली 30 किलोमीटर संचरण लाइन के रूप में जाना जाता है, 30 किलोमीटर संचरण लाइन को जाना जाता है। हाँ जी, ये कोरोना रिंग लगे होते हैं गोल गोल जो दिख रहे हैं ना, तुम्हें ये कोरोना रिंग कहलाते हैं बेटा, ये गोल गोल जो दिखते हैं ना कोरोना रिंग कहलाते हैं। इंसुलेटर के नीचे से जो तार लटका रहता है ना, इसको हम जम्पर के नाम से भी जाना करते हैं। तो बताइए जया, तो हम देखिए 30 किलोमीटर बेटा याद रखिएगा, जो फिजिकली लेंथ है ट्रांसमिशन लाइन की प्रायोरिटी हमेशा उसी ही दी जाएगी और ये हो जाता है बेटा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। प्यारे बच्चों शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, तो मैंने ये कोशिश की है, नेक्स्ट क्लास में और ज्यादा इंप्रूवमेंट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में और ज्यादा इंप्रूवमेंट करेंगे बेटा की और ज्यादा मजा है आपको पढ़ने में और हर एक चीज बहुत ही क्लियर कट आपके सामने हम रख पाएं और ज्यादा वीडियोज इसमें ऐड करके लाएं, विजुलाइज कराने की कोशिश आपके सामने हम लोग करें, है ना, फोटोज वगैरह और अच्छे से सिस्टमैटिक वे में और यूज करें बेटा। हमने कहा है कि शॉर्ट लाइन के लिए यदि रिसीविंग एंड वोल्टेज लोडेड परिस्थितियां में सेंडिंग एंड वोल्टेज के बराबर है, तो देखिए कह रहा है कि फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन इफ द रिसीविंग एंड वोल्टेज इज इक्वल टू सेंडिंग एंड वोल्टेज अंडर लोडेड कंडीशन, बेटा ये कब हो सकता है? हमेशा याद रखिएगा बेटा, ये संभावना तभी हो सकती है जब रिसीविंग एंड पर, माय डियर हमने कहा कि पावर फैक्टर लीडिंग है, अगर पावर फैक्टर लीडिंग आएगा, द रिसीविंग एंड पावर फैक्टर इज लीडिंग, तभी बेटा संभावना, ए भाई कोरोना रिंग यूज क्यों होता है? कोरोना रिंग कोरोना को कम करने के लिए, जम्पर का वर्क क्या है? आज कैसे कैसे सवाल कर रहे हो तुम, एक तार इधर है बीच में इंसुलेटर लगा दिया, एक तार इधर है तो इसे इंसुलेटर से ये कैसे जोड़ोगे? ऐसे ही तो जोड़ोगे, है जी ऐसे ही तो जोड़ना है।
बेटा रिसीविंग एंड पर अंडर लोडेड कंडीशन कह रहा है यार बच्चों अंडर, देखो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन बना लेते हैं, ये आर है और ये है एल मींस एक्सएल, अंडर लोडेड कंडीशन चलाएं मींस ए और बी। अब देखिए ये अगर अनलोडेड कंडीशन होती, ये है सेंडिंग एंड और ये है बेटा रिसीविंग एंड, अब यहां पर लगाओगे आप लोड है जी, तो लोडेड कंडीशन अगर है तो बेटा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में ये बराबर तभी आपको मिल सकता है जब लीडिंग पावर फैक्टर दिया हो, जब लीडिंग पावर फैक्टर बेटा दिया हो, द रिसीविंग एंड पावर फैक्टर इज लीडिंग, जब रिसीविंग एंड का जो पावर फैक्टर है बेटा लीडिंग हो और लोड लगा हो तभी ये कंडीशन मिलना संभव हो सकता है, अदरवाइज ये संभव नहीं होगा। अब देखिए जब हम बेटा कैपेसिटेंस प्रभाव की बात भी क्या करते हैं मीडियम और लॉन्ग में, जब रिसीविंग एंड पर हमें ज्यादा वोल्टेज मिल जाती है, वाइब्रेशन डैम्पर परसों दिखाए तो है क्या फंक्शन होता है, वजन बढ़ा देते हो कंडक्टर का उससे वाइब्रेशन कम हो जाते हैं, दो प्रकार के वाइब्रेशन होते हैं एलोइन वाइब्रेशन और गैलोपिंग, और पूछो हमसे, अबे रात दिन मेहनत करते हैं हल्के में ना लिया करो। तो बेटा जब हमें नो लोड और अंडर लाइटली लोडेड कंडीशन रिसीविंग एंड पर वोल्टेज ज्यादा मिल जाती है सेंडिंग एंड से बेटा, तो उस केस को हम कहते हैं फेरेंट इफेक्ट, जिसे कम करने के लिए एक संट में इंडक्टर जोड़ दिया जाता है। चलिए आगे बढ़िएगा, पार्शियल लाइन पर फेरेंटी प्रभाव कब अनुभव किया जाता है बताइए जी, कम अनुभव किया जाता है, हमने कहा कि अंडर लाइटली लोडेड कंडीशन, अंडर लाइटली लोडेड कंडीशन या नो लोड कंडीशन ड्यू टू द कैपेसिटिव प्रभाव, किसके कारण बेटा कैपेसिटेंस प्रभाव के कारण। अरे यार एक बात बताओ, मैं भी इंसान हूं बच्चों, कि गुरुजी सॉलिड फाउंडेशन हेल्पफुल है रिवीजन के लिए, अरे मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूं, मैंने आपको पहले ही बोला था यार कि थोड़ा शांति रखो। तो बेटा हमें मिल जाती है रिसीविंग एंड पर ज्यादा वोल्टेज, किससे सेंडिंग एंड से, यही कहलाता है फेरेंटी इफेक्ट। तो कब मिलता है ये, अंडर लाइटली लोडेड कंडीशन, द लाइन इज लाइटली लोडेड। चलिए जी नेक्स्ट आगे देखते हैं, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए सर्ज कितना होता है, ओवरहेड लाइन के लिए सर्ज कितना देखा जाता है, याद है 400 से 500 की रेंज में, और जो अंडरग्राउंड केबल है, जो अंडरग्राउंड केबल है उसके लिए कितना होता है ना 40 ओम से 50 60 ओम के आसपास हो जाता है, और जो ट्रांसफॉर्मर है उसके लिए 1000 की रेंज में चला जाता है, याद रखिएगा। चलिए धन्यवाद, शेयर जरूर कर देना, नेक्स्ट वाले सेशन में और अल्टीमेट चीजें देखने को मिलेगी। बोलो बाबा केदारनाथ की जय।